अच्छा मैं एक ब्रेकिंग आपको दे देता हूँ, जानते आप सारे हैं लेकिन एक पॉलिटिकल बंदे के मुंह से आप सुनेंगे। असल में कल और परसों और आज लंदन और न्यूयॉर्क में कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, इस नतीजे पे पहुंचा गया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और बेगम सफदर अवान और बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी के बस की बात नहीं है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को और पीटीआई की पॉपुलैरिटी को काउंटर किया जा सके। तो नून लीग की क्यादत अपने तई शायद ये समझ रही है कि हुण असी नवाज शरीफ साहब सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब को लेकर आएंगे, शायद वो बहुत बड़े नेल्सन मंडेला बन के जनाब यहाँ पर आएंगे तो सही तरीके से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और उनके बड़े बड़े जलसे, पब्लिक की तरफ से एक्सेप्टेंस, पब्लिक की तरफ से प्यार मोहब्बत, उसका कोई काउंटर किया जा सकेगा। तो आज कल और परसों में कुछ चीज़ें हुई है, मैं बैनस्तूरी सारी बात आपके सामने रखूंगा, सुनने वाले भी समझ जाएंगे और आप भी समझ गए होंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर आपको बता दूं, पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से ढेर सारा पानी बह गया है। वो आज से 6-7-8 महीने पहले या 2 साल पहले का कोई नवाज शरीफ को अगर कोई समझता होगा कि नवाज शरीफ आएगा तो वो कोई क्राउड पुलर बनेगा, नहीं भाईजान, खत्म, फिनिश, खलास, तंत बिल खैर। अब पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही नारा है कि सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। अब कोई नवाज शरीफ को मानने को तैयार नहीं, पहचानने को तैयार नहीं, गर्दानने को तैयार नहीं है। तो हमारी बला से आप लाएंगे तो आईन और कानून को भी जनाब, और अदालती सिस्टम को भी, और बहुत से सिस्टम्स को आप परेशान करेंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे, क्योंकि वो मफरूर है, वो मुजरिम है, वापस आके उसको किस अंदाज से जेलों में भेजा जाएगा, किस अंदाज से उसको ट्रीट किया जाएगा। तो जनाब हम तैयार हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, इमरान खान साहब की क्यादत में हम हर किस्म का चैलेंज जो है वो कबूल करने को तैयार हैं। एक चैलेंज मैं आप दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि अगला इलेक्शन अलीम खान, सुन लें इधर आप, अगला इलेक्शन अलीम खान जहाँ से लड़े, मेरी ये ख्वाहिश है कि पार्टी उसी के मुकाबले में, अलीम खान के मुकाबले में मुझे टिकट दे। अगर मैं इलेक्शन हार गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, और छोड़ दे पैसे, मैं ओपनली ऐलान कर रहा हूं अलीम खान जहां से इलेक्शन लड़ेगा, इमरान खान साहब वहां से मुझे टिकट दें, चाहे वो एमपीए का लड़े, चाहे वो एमएनए का लड़े। अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं इलेक्शन की सियासत छोड़ दूंगा। उनको मैं नहीं कहता, वो अगर इलेक्शन हार गए तो पावे अपनी सियासत जारी रखना, ये लोटों वाली, मैं छोड़ दूंगा, पता चल जाएगा कौन कितना पॉपुलर है।